आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको टू पार्ट्स पढ़ा दिए गए हैं। आइए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने पत्र की पुनः तह बनाई और इसे सावधानी से वापस इसके लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागे रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, प्रातःकाल तक मैं जान गया था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रॉ इन टू ब्रिटपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, मैं गाड़ी चलाकर ब्रिटपोर्ट गया जो कि कुछ मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, मैंने एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट शेल, द रूफ गैपिंग द विंडोज बोर्डेड अप। घर नंबर 12 कुछ नहीं था बल्कि एक जले हुए भवन का बाह्य आकार, छत खुली हुई खिड़कियां तख्तों से ढकी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने इससे अगले वाले घर के दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson, और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकफर्सन का पता ठिकाना जानता था। Oh yes, said the old man in his slippers, अरे हाँ, उस वृद्ध व्यक्ति जिसने चप्पलें पहनी थी कहा। He knew her well, वह उनको भली भांति जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, ए बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइल्ड टू बी वाजंट शी, एक अच्छी वृद्ध महिला उसने मुझे बताया, थोड़ा सनकी दिमाग की किंतु उसकी उम्र के अनुसार वह इसकी अधिकारी थी, क्या स्वाभाविक नहीं था। ए हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड, 101 वर्ष उम्र थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, मैं घर के अंदर ही थी जब इसमें आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता था कि आग कैसे प्रारंभ हुई। बट ही कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, किंतु यह निश्चय ही मोमबत्तियाँ ही हो सकती थी। She used candles rather than electricity, वह विद्युत की बजाय मोमबत्तियों का उपयोग करती थी। Because she always thought electricity was too expensive, क्योंकि वह सोचती थी कि विद्युत अधिक महंगी पड़ती थी। The fireman had got her out just in time, अग्निशमन कर्मचारी ने उसे एन मौके पर बाहर निकाला था। She was in a nursing home now, अब वह एक नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, उसने मुझे बताया बर्लिंगटन हाउस। ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, डॉरचेस्टर रोड पर कस्बे के दूसरी तरफ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मुझे पर्याप्त आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, हॉल के रास्ते में ऊपर कागज की चैन बनी थी और एक कोने में रोशनीकृत क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके शीर्ष पर एक तिरछा फरिश्ता था। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring
हर एक क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं एक मित्र हूं और श्रीमती मैकफर्सन से मिलने आया हूं, वह उनके लिए क्रिसमस का एक उपहार लाया हूं। आई गुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं शीशे में से भोजनालय को देख रहा था जहां प्रत्येक व्यक्ति ने कागज के हैट पहने थे और वे गा रहे थे। द मैटरन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। प्रधान नर्स ने भी एक छोटा केक का हैट पहना हुआ था और मुझसे मिलकर पर्याप्त प्रसन्न लग रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइस पाई। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मेंस पाई ऑफर की। मेंस पाई होता है बच्चों एक प्रकार का गोल छोटा केक। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर। मैं गलियारे में से चक्कर लगाकर चलकर आई। मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी। श्रीमती मैकफर्सन अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है, उसने मुझे बताया। शी हैज रैदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए रेस्ट। वह आज कुछ असमंजस में थी, इसलिए तो हमने सोचा कि उसके लिए आराम करना सर्वोत्तम होगा। शी हैड नो फैमिली यू नो। आप जानते हैं कि उनके कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स और उनसे मिलने भी कोई नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। अतः मुझे यकीन है कि आपको मिलकर वह बहुत प्रसन्न होगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। अतः वह मुझे कांच निर्मित कक्ष जिसमें खरपच्चियों से बनी कुर्सियां थी और चारों ओर गमले वाले पौधे थे में ले गई और वहां छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। वह वृद्ध महिला एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उसके हाथ मुड़े होकर उसकी गोदी में थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू ए वेस्पी बन। उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और उसने बालों को लटका कर जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह बाहर बगीचे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो आई सेड। हेलो मैंने कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वह घूमी और मेरी ओर ऊपर भाव शून्यता से देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। कॉनी हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन। मैंने कहना जारी रखा। आई फाउंड दिस। मुझे यह मिला है। आई थिंक दिस इज योर्स। मेरे अनुसार यह आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। मैं जब तक बोलता रहा उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन का बॉक्स खोला और उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लेट अप विथ रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम एक्सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। यह वह क्षण था जब उसकी आंखें पहचान से चमक उठी और उसका चेहरा प्रसन्नता की अचानक चमक से आपल्वित हो गया। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। मैंने डेस्क के बारे में स्पष्ट किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने यह डेस्क कैसे प्राप्त की है। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वह सुन नहीं रही थी। फॉर ए वाइल शी सैड नथिंग। कुछ क्षण तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रॉक्ड द लेटर टेंडरली विद हिज फिंगर टिप्स। अपनी उंगलियों के अग्रभाग से उस पत्र को स्नेह से वह सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट
एंड टुक माई हैंड। अचानक मैं बाहर पहुंची और उसने मेरे हाथों को पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे बताया कि तुम क्रिसमस तक घर लौट आओगे प्रिय। शी सैड, उसने कहा। एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। वह संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है, नज़दीक आओ प्रिय जिम, बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनकी बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माय चीक, और उसने मेरे गाल चूमे। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैंने प्रत्येक दिन तुम्हारा पत्र बार बार पढ़ा जिम। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन योर हेड, मैं मेरे मस्तिष्क में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, यह हमेशा मुझे यह महसूस कराती थी कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो भी। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, चूँकि अब तुम वापस आ गए हो तो तुम इसे स्वयं मुझे पढ़कर सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए यह करोगे? दैट सो मच, क्या मेरे लिए तुम यह करोगे? एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर हम शायद कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, जिसके चारों ओर मार्जिपन लगा है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।